इस हफ्ते काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे HBO की द लास्ट ऑफ अस सीरीज के बारे में, नेटफ्लिक्स के रेड वॉल की फिल्म और टीवी अडैप्शन के बारे में, और पावर पफ गर्ल्स के लाइव एक्शन सीरीज के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स है इस वीडियो में, तो सभी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस हफ्ते सबसे पहले सुपर बोल इवेंट में बहुत सारे ट्रेलर रिलीज किए गए, जिसमें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का टीवी स्पॉट, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर, राया एंड द लास्ट ड्रैगन का ट्रेलर, ओल्ड नोबडी और कमिंग टू अमेरिका का ट्रेलर रिलीज किया गया। इन सभी ट्रेलर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सुपर बोल इवेंट के मौके पर जैक स्नाइडर ने भी स्नाइडर कट का नया ट्रेलर का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। स्नाइडर कट के नए ट्रेलर को 14 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। फिलहाल अभी स्नाइडर कट के कुछ टीजर रिलीज किए गए हैं, जिसमें हमें ब्लैक सूटेड सुपरमैन और डार्क साइड का लुक देखने को मिला। आपको बता दें कि स्नाइडर कट को इंडिया में भी रिलीज किया जाएगा, जिसे हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है, और सोर्स के अकॉर्डिंग स्नाइडर कट को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। HBO और HBO Max के चीफ कंटेंट ऑफिसर ने ये कंफर्म किया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का प्रोडक्शन इस अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड होंगे, जिसमें हमें टारगेरियंस की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। लास्ट मंथ ये रूमर्स आ रहे थे कि HBO Max पर हैरी पॉटर सीरीज डेवलप की जा रही है, और इसी रूमर पर बात करते हुए HBO ने कहा कि अभी हैरी पॉटर की सीरीज डेवलपमेंट में नहीं है, लेकिन हम इस बारे में फ्यूचर में सोच सकते हैं। HBO Max पर हमें जल्द ही द लास्ट ऑफ अस की एक लाइव एक्शन सीरीज देखने को मिलने वाली है, और इस सीरीज में आपको पेड्रो पास्कल एस जोल और एलम बेला रैमजी एस एली देखने को मिलेंगी। द लास्ट ऑफ अस सीरीज बेस्ड है वीडियो गेम पर, जिसे 2013 में डेवलप किया गया था, और आगे चलकर ये प्लेस्टेशन का काफी सक्सेसफुल गेम रहा, और अब इस गेम पर सीरीज बनाना HBO की तरफ से काफी अच्छा स्टेप है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है सोनिक द हेजहॉग की सीक्वल, जिसका एक टाइटल अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया, जिसमें इस सीक्वल का रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया गया। सोनिक द हेजहॉग 2 को 8 अप्रैल 2022 में रिलीज किया जाएगा। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अकॉर्डिंग द CW की तरफ से पावर पफ गर्ल्स के लाइव एक्शन सीरीज को ग्रीन लाइट दे दिया गया है, यानी अब हमें पावर पफ गर्ल्स का एक लाइव एक्शन सीरीज भी देखने को मिलेगा। द पावर पफ गर्ल्स को क्रेग मैक्रेकन ने क्रिएट किया था, और अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर क्रेग मैक्रेकन की किट कॉस्मिक को रिलीज किया गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने ब्रायन जैक्स के रेड वॉल को एक्वायर कर लिया है। रेड वॉल एक चिल्ड्रन फैंटेसी नॉवेल है, जिसे लिखा था ब्रिटिश राइटर ब्रायन जैक्स ने, जिसे पहली बार 1986 में पब्लिश किया गया था, जिसके 2011 तक 22 बुक पब्लिश कर दी गई थी। तो नेटफ्लिक्स पर ये फ्रेंचाइज काफी बड़ी होने वाली है। मार्वल की आने वाली सीरीज हॉकआई के कुछ सेट फोटोज सामने आए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही मार्वल ने कैप्टन मार्वल 2 के विलन के लिए जॉब एस्टन को कास्ट कर लिया है, और एस्टन कौन से विलन का रोल प्ले करेंगी अभी इस चीज को रिवील नहीं किया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।